everyone. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a family secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. So hey guys, how are you all doing? I hope you guys are doing fine. Guys, the Hindu newspaper analysis session. I bring that session for you all every day from Monday to Saturday. So ye session aap log ke liye rozana main leti hu from Monday to Saturday from 11 to 11:45 ke beech mein morning mein. सो ये 45 मिनट्स का जो सेशन है ये आपके लिए एब्सोल्यूट सॉल्यूशन है आपके करंट अफेयर्स को रोज़ अपडेट करने के लिए, बिकॉज न्यूज़पेपर से बेटर सोर्स क्या हो सकता है, राइट? करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए तो मेरे साथ ये न्यूज़पेपर एनालिसिस कीजिए रोज़ यही टाइम पे यूट्यूब चैनल पे, अन एकेडमिक लैट यूट्यूब चैनल पे. बेसिकली गाइज, न्यूज़पेपर में काफ़ी स्टूडेंट्स बताते हैं कि दिक्कत होती है मैम, हम लोग ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा पढ़ते रहते हैं. इफ़ यू टेक द एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर कौन से न्यूज़ की को डिटेल में करना है, कौन से न्यूज़ को स्किप करना है, कौन से न्यूज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है. तो बस ये पर्पज़ से आपको ये सेशन हेल्प करेगा. लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स को ये सेशन इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, ये तीनों एरियाज़ में हेल्प करने वाला बनेगा. एंड बाकी यूपीएससी बैंकिंग एग्जाम या कोई ऐसी और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको ये सेशन करंट अफेयर्स के लिए तो डेफिनेटली हेल्प करेगा. ऑलराइट, तो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि ये सेशन आप रोज़ अटेंड कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक साथ जमा करके नहीं पढ़ा जा सकता, यू नीड टू अपडेट इट रेगुलरली. तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है गाइस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को बेल आइकन क्लिक करके, तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको याद नहीं रखना होगा, आपका सेशन हो जाएगा अटेंड. और इसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस क्लास एज मच एज पॉसिबल. एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं डेफिनेटली आप लोग से चाहती हूँ गाइज, करोगे या नहीं करोगे बोलो. यस मैम, आई एम श्योर करोगे. जल्दी से अपना फ़ोन उठाओ, प्लीज़ शेयर अबाउट दिस क्लास एज मच एज पॉसिबल. जितना हो सके ये क्लास के बारे में सबके साथ शेयर करो. शेयर इट ऑन व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, पुट इट एवरीवेयर. लेट एवरीबडी नो अबाउट दिस फ्री सेशन एंड सबको इसका फ़ायदा मिलने दो, ठीक है? तो ये क्विक क्विक चीज़ आप लोग कीजिए शेयर करने की. मीनवाइल मैं फटाफट से आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ मेरा और अन एकेडमी के कुछ बढ़िया से इंपॉर्टेंट फीचर्स का, ठीक है? सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्सेज. I'm still associated with CSM Cost Accountants Institute, where I teach law subjects to CSM Cost Accountants students, and I really love interacting with all the lovely students like you all and sharing my knowledge. So that's me, guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. An Academy, guys. An Academy is your platform. Hai, badhiya sa platform hai in today's time. Zarur se join kijiye. Free classes, paid classes, dono hai An Academy pe. To pehle kuch din ke liye aap free classes, free mock tests, free quizzes, ye sab aap ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो. एंड देन आपको अगर एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है तो देन जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए. दीज आर द प्राइजेस फॉर सब्सक्रिप्शन. इसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट चाहिए, तो यूज़ माई कोड निधि लाइफ, ठीक है? एंड गाइज, ये सब अन एकेडमी के लर्नर्स हैं जो टॉप एनालिस्ट में गए हैं, आप भी जा सकते हो वैसे. सो वंस यू गाइज टेक द सब्सक्रिप्शन, आप लोग ये सारे बैचेस अटेंड कर पाओगे. तो एवरी वीक वी कम अप विद न्यू बैचेस. आज एक आज नहीं कल 18 अगस्त कल है, कल से एक बैच चालू हो रहा है क्लैट एलसेट 23 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें मैं निधि ध्रुव खुद लीगल रीजनिंग पढ़ाऊंगी. बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, बट लीगल के क्लास मेरे थोड़े दिन के बाद सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? दैन क्लैट एंड एलेट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए भी एक बैच कल से ही स्टार्ट हो रहा है. सो बेसिकली इन बैचेस में आप अलग अलग एडुकेटर्स, आपके फेवरेट एडुकेटर्स के पास से पूरा सिलेबस कम्प्लीशन अच्छे से कर सकते हो. देन वन मोर बैच वी आर कमिंग अप विथ,
इज फॉर 24 एस्पिरेंट्स. 2024 एस्पिरेंट्स के लिए 25 अगस्त से एक बैच चालू होगा. अगेन मैं निधि ध्रुव इसमें लीगल रीजनिंग पढ़ाऊंगी, ठीक है. सैम्पल कॉपी क्लैट ई नोट्स का, एक्चुअली जो क्लैट ई नोट्स हम प्लस सब्सक्राइबर्स को देते हैं, और आइकॉनिक सब्सक्राइबर को तो फिजिकल नोट्स मिलती है, तो उसका एक सैम्पल कॉपी आपको दिया गया है सो दैट आपको पता चले कि सब्सक्रिप्शन लेने के से आपको क्या नोट्स मिल सकती है. मेरी आज एक भी फ्री क्लास नहीं हो रही है गाइज, बिकॉज इवनिंग में द टाइमिंग वेन वी टेक द स्पेशल क्लासेस उस टाइम पे आज प्लस क्लासेस, इसलिए नहीं हो पाएगा. देन गाइज अन अकेडमी लीगल अदालत आयुषी मैम और राघवेंद्र से लेंगे कमिंग संडे को. स्पेशल क्लास सीरीज टू सॉल्व योर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन ईजियर वेज इज गोइंग ऑन. देन ऑफलाइन मॉक टेस्ट गाइज ये महीने ये संडे को, कमिंग संडे को 25 अगस्त को हो रहा है जयपुर में, जिसके लिए ये कोड स्कैन करके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है. देन टुमारो देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेक्टर थर्सडे, एक स्पेशल क्लास ऐसी जिसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के बारे में जान सकते हो, ठीक है. देन अनअकैडमी क्लैट इज नाउ ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल दी अपडेट्स, प्लीज जॉइन इट. एंड अनअकैडमी क्लैट यूट्यूब चैनल जिस पर आप मुझे देख रहे हो अभी, से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो, ठीक है. तो ये सारी बातचीत हमारी हो गई इंट्रोडक्शन के बारे में, अनअकैडमी के इंट्रोडक्शन और मेरी इंट्रोडक्शन. अभी आज मैंने गाइज 17 अगस्त है वेनसडे का दिन, एंड मुंबई एडिशन लिया हुआ है, एंड विल सी आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है. क्विकली हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. सो आज मुंबई एडिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेट अस सी वन बाय वन, ठीक है. तो पहले तो हम काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ के बारे में देख रहे थे दैट चाइना का एक मिलिट्री वेसल जो है इट वॉज गोइंग टू अराइव इन श्रीलंका, बट इंडिया ने और यूएसए ने कंसर्न दिखाया था. इंडिया ने स्पेशली कंसर्न दिखाया श्रीलंका को, और श्रीलंका ऑफकोर्स इंडिया से हेल्प चाहता है ये टाइम पे, तो सुनना पड़ेगा. तो बोला था कि ये वेसल के बारे में कंसर्न दिखाया, तो श्रीलंका ने चाइना वालों को बोल दिया था कि हम लोग के टॉक्स ना हो तब तक इसे लैंड ना करना. तो 11 अगस्त को आने वाला था, तो थोड़ा एक वीक डिले हुआ, बट फिर भी अभी तो चाइना वाले दरिए में बीच में तो रखते ही नहीं, आ गए हैं श्रीलंका पोर्ट पे, ठीक है. सो चाइनीज मिलिट्री वेसल अराइव्स इन श्रीलंका, और इंडिया और यूएस को ये मंजूर नहीं था. फिर भी इंडिया एंड यूएस हैड ऑब्जेक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ युआन वांग फाई, और इंडिया और यूएस दोनों ने ऑब्जेक्ट किया था इसके लिए, बट फिर भी ये आ चुका है, ठीक है. गिव मी अ मोमेंट गाइस. सो ये जो चाइना का एक सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल है, इट्स नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ एनी वेसल, इट्स अ सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल युआन वांग फाइव. ये श्रीलंका के सदर्न हैम बनटोटा पोर्ट पे लैंड हुआ है. ऑफकोर्स इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक्टिविटी करेगा, जिससे यूएस को और इंडिया को दोनों को प्रॉब्लम है, और इंडिया से तो काफ़ी पास में ही होगा, जब से मतलब जिससे वो कभी भी अटैक भी कर सके तो हमें ऑफकोर्स इनसिक्योरिटी होगी. सो डिस्पाइट इंडिया एंड यूएस वॉइसिंग कंसर्न विद कोलंबो ओवर द मिलिट्री शिप्स विजिट, श्रीलंका कुछ कर नहीं पाई. श्रीलंका को चाइना की भी उतनी ज़रूरत है, और चाइना से भी उनको दोस्ती इतनी बना के रखनी है, इसलिए श्रीलंका कुड नॉट डू मच अबाउट इट. आवर्स आफ्टर द वेसल रीच द श्रीलंकन पोर्ट, चाइना सेड द मराइन साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ द वेसल वर कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ. अभी चाइना कहाँ इंटरनेशनल लॉ को समझता ही है, फॉलो कहाँ करता है, करता तो ताइवान के साथ जो कर रहा है अभी, वो करता नहीं कभी, राइट. सो वेसल जैसे श्रीलंकन पोर्ट पर पहुँचा तो चाइना ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये एक साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए हमारा जो वेसल है वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बराबर से आया है, हमने कुछ वायलेशन नहीं किया, एंड डिड नॉट इम्पैक्ट एनी अदर कंट्री सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और किसी कंट्री के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हमने वायलेट नहीं किया. कैसे आप चुपचाप करके सिक्योरिटी इंटरेस्ट वायलेट करते हो ना चाइना, हमें बहुत अच्छे से पता है.
लद्दाख बॉर्डर पे क्या उन्होंने किया है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ विलेजेस को अपने नाम दे दिए हैं, ताइवान में जिस तरीके से बिंदास मिलिट्री एक्टिविटी के नाम पे इंट्रूड कर रहे हैं, तो चाइना बेटर नॉट टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो चाइना अर्लियर स्लैम्ड न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली ने ऑफकोर्स, हमने इंडिया ने एप्रीहेंशन दिखाए थे कि क्यों ये वेसल श्रीलंका पे आने दे रहे हो. सो चाइना ने स्लैम किया था न्यू दिल्ली को, मतलब इंडिया को, और बोला था कि अनजस्टिफाइड एंड मॉरली इररिस्पॉन्सिबल एप्रीहेंशन है, मतलब इसकी कोई काम की नहीं चीज़ है. अरे भैया तुम क्या करते हो चाइना वाले, हमें पता है. एंड अर्ज भी किया न्यू दिल्ली को कि हमारे नॉर्मल एक्सचेंजेस को जो श्रीलंका के साथ हो रहा है उसे डिस्टर्ब ना करो. न्यू दिल्ली रिजेक्टेड इंसिन्यूएशन दैट श्रीलंका वॉज प्रेशर्ड, और न्यू दिल्ली ने ये एक आर्ग्यूमेंट यू नो ऐसे जाने दी, मतलब आर्ग्यूमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि श्रीलंका को प्रेशर किया जा रहा है, कि श्रीलंका प्रेशर में ऐसे कैसे कर सकती है अलाउ, ये तो ठीक बात है ही नहीं. ओके हाय कमल, आशीष, हंसिका, पीयूष, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग. एंड आई होप आप लोग सब लोग 720p पे क्वालिटी पे देख रहे हो, तो आपको अच्छे से मैं जो अभी पढ़ा रही हूँ वो पूरा न्यूज़पेपर मेरा दिखेगा गाइस. हाँ कमल, आशीष, हंसिका, पीयूष, आई होप यू गाइस एंड एवरीबडी एल्स हु इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ, आपके स्क्रीन पे वो जो सेटिंग्स जैसा बटन दिखेगा आपको, जैसे हमारे फ़ोन में सेटिंग्स का बटन होता है वैसे चक्कर जैसा, उसके ऊपर क्लिक करना, एडवांस में जाके 720p पे वीडियो देखना, ठीक है. Although the vessel's arrival was deferred by a few days subsequent to Colombo's request. So, हमने श्रीलंका को बोला था और फिर श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया चाइना वालों को, तो उस हिसाब से एक वीक तक डीले हुआ उसका विजिट. ओके बट फिर भी आ तो गया ही वो. द शिप विल बी डॉक्ड एट हम्बन टोटा फॉर अ वीक एज वॉज अर्लियर प्लान, और श्रीलंका के पोर्ट पे, हम्बन टोटा पोर्ट पे ये एक वीक तक ये शिप रहेगा. इट विल टेक सम टाइम द फॉर युआंग वैन फाइव रिसर्च शिप टू कम्प्लीट द रेप्लेनिशमेंट ऑफ नेसेसरी सप्लाईज, मिस्टर वैंग सैड एट द डेली ब्रीफिंग इन बीजिंग. तो बीजिंग में अपनी डेली ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि एक वीक तक ये शिप वहाँ पे रहेगा, वो श्रीलंका के पोर्ट पे, और जो भी उनको फिर सप्लाईज रेप्लेनिशमेंट करना है वो सब करेंगे वो एक वीक के टाइम. China, he said, was ready to work with the Sri Lankan side to consolidate political mutual trust, deepen win-win cooperation, and promote sound and steady development of bilateral relations. So, China, Sri Lanka ke saath bilateral relation, achche se cooperation bana ke, mutual political relations achche se trust bana ke hum चलने वालों में से है, चाइना ये बोलता है. तो श्रीलंका के साथ तो ऑफकोर्स वो लोग बना के रखे ही हुए हैं, एंड श्रीलंका को भी उनकी ज़रूरत है. ओके अच्छे टाइज रखे हैं. रिसेंटली ताइवान पे जिस तरीके से मिलिट्री उसकी, उनके आसपास मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, तो कोलंबो ने भी सपोर्ट में बताया कि हम लोग हमेशा से वन चाइना पॉलिसी को बैक करते आए हैं. आई एम श्योर श्रीलंका को भी जब ये अक्वायर कर लेगा ना चाइना, तभी भी श्रीलंका बोलेगा वही वन चाइना पॉलिसी. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. और चाइना ने भी उनको काफ़ी पैसों की मदद की है जब ये डिफ़िकल्ट टाइम में. सो श्रीलंका भी वैसे तो प्रेशर में ही है, दे कांट हेल्प इट, उनको पॉसिबल नहीं है अगेंस्ट में जाना. सो दिस इज़ द थिंग. इसके बारे में सब कुछ लिखना है गाइज, पुटिंग अ स्टार मार्क ओवर हियर. सो फॉर ऑल दी न्यू स्टूडेंट्स आउट देयर, वी हियर हेल्प यू गाइज विथ नोट्स मेकिंग एज वेल. इस सेशन में आपको नोट्स मेकिंग में भी हेल्प होती है. सो जो भी न्यूज़ की नोट्स बनानी है, उस न्यूज़ के बाजू में आई पुट अ स्टार मार्क लाइक दिस, एंड फिर उस न्यूज़ के अंदर जितना हाईलाइटेड या अंडरलाइंड पार्ट है वो आपको लिखना है, ठीक है. तो दिस वाज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम योर फ्रंट पेज. नेक्स्ट वन इज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Hi Veena, good morning. So next important one is
31 मिनिस्टर्स इंडक्टेड इन न्यू बिहार कैबिनेट. तो हमें पता है नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, आरजेडी के साथ जुड़ गए और एक नई कैबिनेट फिर फॉर्म की. सो उसमें 31 मिनिस्टर्स को इंडक्ट किया गया है. मैनी हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड. बीजेपी बोल रहे हैं कि उसमें से कितने लोगों के जिसको कैबिनेट में डाला गया है क्रिमिनल बैकग्राउंड्स रह चुके हैं. वी नीड नॉट राइट दैट डाउन एज सच गाइज. वो वाली न्यूज़ हम नहीं लिखेंगे, बिहार कैबिनेट वाली तो चलेगा. ठीक है, सब ध्यान रखिए. अनदर वेरी बैड न्यूज़ एंड वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड इज दिस. इवन इंडिया इज इन शॉक, लाइक हमारी गवर्नमेंट भी शॉक में है कि ऐसा कैसे हुआ. सो फीफा फीफा ने जो यू नो फुटबॉल फेडरेशन वर्ल्ड लेवल का है, उन्होंने इंडिया को सस्पेंड कर दिया. और ये बार अंडर 17 चैम्पियनशिप जो फीफा की इधर होने वाली थी इंडिया में, हमें होस्ट भी नहीं करने देंगे. और ये क्यों हो गया कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के वजह से क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो फीफा सस्पेंड्स इंडिया. सेंटर नॉक्स एट सुप्रीम कोर्ट डोर फॉर रिलीफ. सो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है कि ये कैसे इसका आप कुछ सोल्यूशन लाओ. सो सेंटर ऑन ट्यूजडे मेड एन अर्जेंट रिक्वेस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन अर्ली हियरिंग इवन एज रिपोर्ट्स इमर्ज दैट फीफा हैज सस्पेंडेड AIFF दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लीविंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया होस्टिंग द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन अक्टूबर ब्लीक. तो अक्टूबर में इंडिया में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था फीफा का, इधर वो नहीं हो पाएगा इसके कारण. हमें सस्पेंड ही कर दिया, खेलने भी नहीं मिलेगा ना ही हम होस्ट कर सकते हैं. तो इस पर्पज़ के लिए अर्जेंट हियरिंग रखवाई सुप्रीम कोर्ट में. सो देर हैज़ बीन सम डेवलपमेंट्स. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टोल्ड अ बेंच लेड बाई जस्टिस DY चंद्रचूड. तो कल जस्टिस DY चंद्रचूड की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला कि कुछ तो डेवलपमेंट्स हुए इसमें. और मिस्टर मेहता सेड फीफा हैड सेंट अ कम्युनिकेशन बट डिड नॉट रिवील द कॉन्टेस्ट कंटेंट्स ऑफ द लेटर विच ही है सेड वॉज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन. तो फीफा ने कम्युनिकेशन भेजा है बट क्या कम्युनिकेशन. सो बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन फीफा से आया मिस्टर मेहता ने कोर्ट में भेजा है बट रिवील नहीं किया ऐसे पब्लिक, मतलब हमें पब्लिक के लिए कि क्या था वो लेटर में. कुछ बोला नहीं बट उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमने पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, आप देख सकते हो क्या लिखा है. सो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण फीफा ने AIFF को सस्पेंड किया है. तो जस्टिस चंद्रचूड़ आफ्टर चेकिंग विद द कोर्ट स्टाफ सेड द AIFF केस वॉज एनी वे लिस्टेड एज द फर्स्ट आइटम ऑन द कोर्ट्स बोर्ड ऑन 17 अगस्त. 17 अगस्त को पहला यही केस सुना जाएगा. जज ने अश्योर किया मिस्टर मेहता को कि ये इट वुड बी टेकन अप एंड हर्ड, ये लिया जाएगा और हम सुनेंगे इस केस को जल्दी ही. मिस्टर मेहता सेड ही वुड इन द मीन फाइल शेयर फीफा लेटर विद द कोर्ट. मिस्टर मेहता ने बोला कि हम फीफा वाला लेटर आपको कोर्ट को भेजते हैं. फीफा ने अपने स्टेटमेंट में ये साइड किया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज, कुछ थर्ड पार्टीज अनड्यू इन्फ्लुएंस करना कर रही थी फीफा को रिगार्डिंग इंडिया थिंग, तो इसके कारण AIFF का सस्पेंशन किया है. ऐसे रीजनिंग बता रही है अभी तो फीफा. तो एग्जैक्टली वॉट हु डिड द अनड्यू इन्फ्लुएंस विच थर्ड पार्टी, कुछ इधर क्लैरिटी नहीं है अभी. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइज. इसमें ना सिर्फ हेडलाइन लिखिएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. हेडलाइन और लास्ट पैराग्राफ, ये वाला लास्ट पैरा, दैट्स इट. तो हर एक न्यूज़ पूरी भी नहीं लिखो, ये मैंने पहले पूरा हाईलाइट किया, बट सिर्फ हेडलाइन और लास्ट पैराग्राफ लिखना है इसमें. ठीक है, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड विच हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी ऑलरेडी. तो ये केस ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल था, देन इट्स स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल नाउ वेन द डिसीजन हैज़ कम. ऑलरेडी हमने तो OVC के पास से और वो सब तो कॉन्ट्रोवर्सी सुनना चालू कर दी है और कॉन्ट्रोवर्सी रेज भी होगी आने वाले दिनों में, आई एम वेरी श्योर. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको तो डेफिनेटली पूरा लिखना है. आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क, मतलब जितना मैंने हाईलाइट किया है लिख ही देना पूरा, इम्पॉर्टेंट. क्या है ये न्यूज़ समझाती हूँ मैं बहुत अच्छे से डिटेल में. ठीक है अंशिका, आई टोल्ड यू दिस थिंग yesterday itself. Why are you asking again?
Didn't you understand yesterday? So this important news is, Gujarat followed old policy to release convicts in Bilkis case. So guys, तो क्या हुआ? और गुजरात गवर्नमेंट का या गुजरात कोर्ट का खुद का चॉइस नहीं था ये, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा करो इसलिए करना पड़ा. क्या हुआ था? तो एक केस था कॉल्ड बिल्कीज केस, ओके. उसकी जो कन्विक्ट्स हैं उनको अर्ली रिलीज करने के लिए पिटिशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला. तो बेसिकली कुछ रेप अक्यूज्ड थे, तो रेप जिसने किया था तो उनको जनरली नए पॉलिसी के मुताबिक अगर जज किया जाए तो उनको अर्ली रिलीज कन्विक्ट्स का नहीं हो सकता है. बट देन सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि पुराना क्योंकि केस है तो पुरानी ही पॉलिसी फॉलो करो और उस हिसाब से उनका अर्ली रिलीज करो. सो गुजरात को ये फॉलो करना पड़ा. सो गुजरात फॉलोड ओल्ड पॉलिसी टू रिलीज कन्विक्ट्स इन बिल्कीज केस. जो प्रेजेंट नॉर्म्स है, अभी की नॉर्म्स, ये बार करती है, प्रोहिबिट करती है आउट ऑफ टर्न रिलीज ऑफ रेपिस्ट एंड मर्डरर्स. तो रेपिस्ट और मर्डरर्स को जल्दी कभी भी नहीं रिलीज करना है, ये प्रेजेंट नॉर्म्स है. बट क्योंकि केस काफ़ी ओल्ड था तो ओल्ड पॉलिसी ही फॉलो करने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसके कारण करनी पड़ी. सो गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज किए 11 कन्विक्ट्स को इन द बिल्कीज बानो केस ऑफ 2002, गुजरात रायट्स. तो 2002 में गुजरात में जो रायट्स हुए थे उसमें जो 11 कन्विक्ट्स थे, ओके, उनको रिलीज कर दिया गया. कल गुजरात ने वो 11 कन्विक्ट्स को रिलीज किया, रिलाइंग ऑन 1992 पॉलिसी, फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो 1992 के पॉलिसी के हिसाब से वो लोग जल्दी छूट सकते थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि डायरेक्शंस दिया कि फॉलो दैट ओल्ड पॉलिसी ओनली, उनको वो करना पड़ा. जबकि स्टेट गवर्नमेंट की जो रिवाइज, एक सेकेंड ना गाइस, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की जो रिवाइज्ड पॉलिसी है ना 2014 की, उसके हिसाब से वो ये कन्विक्ट इनएलिजिबल हो जाते हैं रेमिशन के लिए. रेमिशन मतलब रिड्यूसिंग पनिशमेंट, तो उनको पनिशमेंट में कोई रिडक्शन नहीं मिलता था इफ 2014 वाला जो नया पॉलिसी है वो फॉलो करते. बट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट टोल्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डू इट, दे हैड टू डू इट. द 2014 पॉलिसी बार्स आउट ऑफ टर्न रिलीज ऑफ प्रिजनर्स कन्विक्टेड फॉर रेप एंड मर्डर, ओके. सो जो भी रेप एंड मर्डर के लिए कन्विक्ट्स है उनको जल्दी से रिलीज नहीं करना है, दैट इज़ द न्यू पॉलिसी. बट बिकॉज एज आई सेड अगेन एंड अगेन, सुप्रीम, बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विच केम ऑन 13th of May, 1992 पॉलिसी फॉलो करनी पड़ी, ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट सेड द रिस्पॉन्डेंट्स स्टेट ऑफ गुजरात आर डायरेक्टेड टू कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ पिटिशनर फॉर प्री मैच्योर रिलीज इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिसी डेटेड 9th July 1992. तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि ये जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है प्री मैच्योर रिलीज के लिए, अर्ली रिलीज के लिए, उनकी रिलीज के बारे में केस सुना जाए एज पर द पॉलिसी ऑफ 1992 विच इज़ एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन एंड मे बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months. और ये 2 months के अंदर अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए, ओके. ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. तो अगस्त में ये करना पड़ा गवर्नमेंट को, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट को. वन ऑफ द कन्विक्ट्स राधेश्याम भगवान दास शाह हैड मूव द कोर्ट दिस ईयर सीकिंग डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमिस. तो ये वन ऑफ द कन्विक्ट्स 11 में से राधेश्याम भगवान दास शाह वो कोर्ट में गए थे, मैंडेमिस रिट पिटिशन फाइल की थी, मैंडेमिस का कोर्ट से ऑर्डर चाहते थे कि आप गवर्नमेंट को प्ली कंसिडर करने को बोलो कि प्री मैच्योर रिलीज हमें मिले, और वो भी 1992 पॉलिसी के हिसाब से, जो एक्चुअली कन्विक्शन के टाइम पे एग्जिस्ट की थी उस पॉलिसी के हिसाब से ही हमें डिसीजन दे. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनकी बात मानी और उनके फेवर में डिसीजन दिया था. सो दिस इज बिल्कीज केस गाइज, बिल्कीज बानो केस. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट इट. इसका पूरा कंटेंट मैंने डिटेल में समझा दिया है. दिस बिकम्स डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ये जो है ना वो डेफिनेटली इट्स अ
quite controversial thing. Lot of controversy has already arisen on this in the past. Today also after decision, the controversies are keep, you know, like it's there. Lot of people are saying lot of thing about it. हम लोग आगे के pages पे देखेंगे and future में भी controversial थोड़ा हो सकता है. तो whatever updates are there, we will see about it. But this is going to be a very very important thing. ये ध्यान रखना है. इसलिए पूरा लिखना है आपको. ठीक है. So these were some important news from your front page. Let's move to another page. कौन से और important news है देखते हैं. कमल कन्विक्ट का मतलब होता है द अक्यूज जिसको पनिश किया गया है. दोज हु आर पनिश्ड उसको कन्विक्ट बोलते हैं. हाय शिवांगी. या शिवांगी, अन एकेडमी क्लैट की ही दो चैनल है. अन एकेडमी मतलब ये जो चैनल जिसपे आप मुझे अभी देख रहे हो दैट इज अन एकेडमी क्लैट, और अन एकेडमी लॉ भी अन एकेडमी वालों की ही है. तो आपके लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए दोनों चैनल्स आपको हेल्प कर सकती है. फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस प्रॉपरली, थोड़ा मतलब ज्यादा ही गूफ अप चीजें ना हो जाए इसलिए दो चैनल्स अलग रखिए जिसपे दो टाइप के अलग कंटेंट है. ओके ओके शिवांगी, आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं गाइस. बड़े सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर में. आज थोड़ा सेशन शायद लंबा चलेगा. ठीक है. सो गाइस, शिवमोगा कंटिन्यूज टू रील अंडर स्ट्रेस. तो ये जो प्लेस है शिवमोगा, इसमें काफ़ी स्ट्रेस है अभी. आप देख सकते हो मिलिट्री वाले लोग. पुलिस हैव अरेस्टेड द मेन अक्यूज इन मंडे स्टैबिंग केस. तो मंडे को स्टैब किया गया था. ठीक है. ये बेसिकली कर्नाटका में ये प्लेस है जिसमें खुलेआम दिन दहाड़े ओपन फायर हुआ था, स्टैबिंग केस हुआ था. तो इस अभी भी ये प्लेस अंडर स्ट्रेस है. ठीक है. एंड पार्टीज लॉक हॉर्न्स ओवर कम्युनल लॉ रो. तो पार्टीज भी कम्युनल सिचुएशन पे एक दूसरे के साथ भिड़ गई है. प्रॉब्लम्स अभी भी शिवमोगा में चालू है. तो ये ध्यान रखिए. देन आई सेड, जैसे मैंने ये अभी बिल्कीज बानो केस में बताया, कॉन्ट्रोवर्सी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग प्लेस. मिस्टर ओवैसी, असासुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद के पार्लियामेंटेरियन है ये. ठीक है. इन्होंने ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट को और मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने बोला कि वी कंडेम दिस, कि ये कैसे हो कर सकते हो. द कंट्री इज वॉचिंग हाउ द बीजेपी पेज ओनली लिप सर्विस टू वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन. तो मोदी जी ने जो कल इंडिपेंडेंस डे के परसों की स्पीच में बोला कि मिसिगॉनी हम लोग नहीं अलाउ करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए. और ओवैसी बोल रहे कि सिर्फ वो तो बोलने के लिए है, बाकी इधर देखिए मुस्लिम वुमेन के साथ क्या कर दिया. अभी वो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, उस हिसाब से उनको जो करना था वो करना पड़ा. सो देखिए कंट्रोवर्सी उठना तो ऑलरेडी चालू हो गई है. अगेन नीड नॉट राइट दैट न्यूज़ बाय द ओवैसी, बट जस्ट ध्यान में रखिए कि ये सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ऑन द बिल्कीज बानो केस. दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क बिसाइड दिस. ये आपको लिखनी है पूरा हाईलाइटेड पार्ट. सो केरला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक डिसीजन दिया दैट एनी टॉन्ट्स बाय हस्बैंड अमाउंट टू क्रुएल्टी. सो इफ इट इज द इट इज कंटिन्यूड इन नेचर. सो डिवीजन बेंच ऑफ एक सेकेंड गाइज. ओके. या सो डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट कॉन्स्टेंट एंड रिपीटेड टॉन्ट्स ऑफ द हस्बैंड that his wife is not up to his expectations and also making comparisons with other women would certainly constitute mental cruelty as contemplated under section 10x of divorce act. So Kerala High Court ne bola ki continuous taunting the wife and comparing it her with the other women, isko mental cruelty hi bola jayega. So ye part ab High Court ke decision ka note down karna, it's important I feel. Okay.
उतना पार्ट मार्क करना है, लिखना है अपनी नोट्स में. देन नेक्स्ट वन इज या दो चैनल है शिवांगी. सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट जजमेंट इन लुलू मॉल केस. ओके, सो एक मिनट गाइस. सो केरला का हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था रिगार्डिंग लुलू मॉल केस. उसके लिए अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दी है. बेसिकली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया गया था दैट द मॉल वायलेटेड CRZ रेगुलेशंस. तो CRZ रेगुलेशन होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसको वायलेशन में ये लुलू मॉल बनाया गया है ऐसा ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लिखा गया था, जो जबकि केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में ये कंटेंशंस को निगेट किया गया था कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, CRZ नहीं वायलेट हुआ है. तो फिर उसे ये केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये प्ली रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग ये केरला हाई कोर्ट जजमेंट ही रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये पिटिशन को नहीं सुनेगी. तो ये भी एक हेडलाइन प्लीज ध्यान रखिएगा. और CRZ क्या होता है वो मैंने इधर अंडरलाइन किया है, आप लिख सकते हो. ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज लाइक ऑन आर एडिटोरियल पेज. सो हमारा एडिटोरियल पेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट नाउ. ठीक है, एडिटोरियल पेज पे ये फर्स्ट एडिटोरियल हमें पढ़ना है डिटेल में. ठीक है, दिस इज अगेन अबाउट दैट गुजरात गवर्नमेंट थिंग. ओके, अभी हमने बिल्ली बानो केस जो देखा उसी के बारे में इधर है ये. ठीक है, इसे डिटेल में हम देखना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो रेमिशन विदाउट रिफॉर्म, प्रीमैच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स. गाइस आई विल बी बैक इन अ मिनट. आई थिंक आवाज ज्यादा आ रहा है, मैं जरा दो मिनट बाद. ओके ओके गाइज आई एम बैक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. आई थिंक बाहर से बहुत आवाज आ रहा था. आई जस्ट चेक इफ इट्स नॉट कमिंग नाउ. Okay, so let's begin with the editorial now. So remission without reform, premature release of prisoners must be done with discretion and wisdom. So agar premature release karna hai prisoners ka, to government ko hamesha ise discretion aur wisdom ke saath karna chahiye. The release of 11 convicts sentenced to life for the heinous murder of 7 people and the gang rape of 3 women during the Gujarat communal program of 2022 is a questionable decision by the state. तो ये state government ने ऐसा decision क्यों लिया? ये questionable है लोगों के लिए, okay? So the release of 11 convicts, which they were sentenced to life imprisonment का sentence उनके against pass किया गया था. ये 11 convicts के against communal riots जब भी हुए थे 2002 में उसके regarding. ओके, फॉर हीनियस मर्डर और कुछ गैंग रेप भी 3 विमेन का हुआ था इसके लिए. तो उसकी वो कन्विक्ट्स को अर्ली रिलीज कर दिया गया. ओके, ऑन द फेस ऑफ इट इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी इलीगल. वैसे तो ऑन द फेस ये इलीगल लग रहा है एज देयर टर्म्स सीम टू हैव बीन रेमिटेड विदाउट द रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट. क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट
उनके रेमिशन, रेमिशन रेमिट करना मतलब पनिशमेंट रिड्यूस करना, ये पनिशमेंट रेमिशन नहीं हो कर सकती थी विदाउट कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था. ओके, दैट इज प्रेसिडेंट नीड्स टू गिव कंसेंट फॉर सच रेमिशन एंड ऑल. इट डिफाइज लॉजिक दैट दोज कन्विक्टेड फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रेप ऑफ थ्री वेमेन, द मर्डर ऑफ 3 year ओल्ड एंड 6 अदर्स कैन बी कंसिडर्ड कैंडिडेट्स फॉर प्री मेच्योर रिलीज अंडर एनी रेमिशन पॉलिसी. सो इट डिफाइज लॉजिक दैट दोज कन्विक्टेड फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये लॉजिकल नहीं है कि जो कन्विक्टेड थे 3 वेमेन के गैंग रेप के लिए उनको तो कोई हिसाब से अर्ली रिलीज मिलना ही नहीं चाहिए था, उनका अर्ली रिलीज पॉसिबल ही नहीं था. ठीक है, एंड द मर्डर ऑफ 3 year ओल्ड एंड 6 अदर्स कैन बी कंसिडर, और जिस जो मर्डरर्स थे जिसने 3 साल के बच्चे को और 6 लोगों को मार डाला था उनका भी अर्ली रिलीज पॉसिबल ही नहीं था, पर फिर भी इनका प्री मेच्योर रिलीज किया गया अंडर रेमिशन पॉलिसी. वन ऑफ द कन्विक्ट्स हैड ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इन मे. अभी इसमें सिर्फ एडिटर गवर्नमेंट को ब्लेम करे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास से वन ऑफ द कन्विक्ट्स ने ऑर्डर लिया था मे में कि ओल्ड पॉलिसी, अभी अभी हमने फ्रंट पेज पे देखा कि 1992 वाला ओल्ड पॉलिसी फॉलो किया जाए, नॉट द न्यू पॉलिसी ऑफ 2014 अंडर विच गुजरात द स्टेट इन विच द क्राइम अकर्ड वॉज हेल्ड टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसिडर हिज प्री मेच्योर रिलीज. तो मतलब जो ऑर्डर ऑब्टेन किया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट वो कन्विक्ट ने, उसके हिसाब से गुजरात गवर्नमेंट जहाँ एक्चुअली क्राइम हुआ था वो स्टेट ही प्री मेच्योर रिलीज दे सकती है. तो कोर्ट हैड आज द स्टेट टू डिसाइड द एप्लीकेशन अंडर 1992 रेमिशन पॉलिसी, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला कि आपकी ओल्ड पॉलिसी थी उस हिसाब से ही आप डिसीजन देना, क्योंकि ये तभी का मामला है, तभी कन्विक्शन हुआ था बिफोर 2014, तो ओल्ड पॉलिसी ही लागू होगा. एज इट वॉज द रेलिवेंट वन फ्रॉम ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन इन 2008, क्योंकि 2008 में 1992 पॉलिसी एप्लीकेबल थी तो वो ही लागू करना. हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट दिस एज अ वेवर ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 435 द सीआरपीसी व्हिच मेक्स कंसल्टेशन विद द सेंटर मैंडेटरी. पर इससे वेवर के तौर पे तो हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट ना करे, इस चीज का वेवर आ जाए एज पर सेक्शन 435 ऑफ सीआरपीसी, ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ऐसा तो नहीं कर सकते. बेसिकली दे नीड नॉट, दे डोंट कंसल्ट ओनली स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट कंसल्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द 435 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, ये ठीक बात नहीं हुई है. फर्दर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2015 हेल्ड दैट कंसल्टेशन मेंट कॉन्करेंस इन दिस प्रोविजन, और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया था जिसमें बोला गया था कि इस चीज़ में कंसल्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को का मीनिंग होता है कॉन्करेंस, मतलब उनका परमिशन चाहिए. द रेमिशन ऑल्सो रन्स कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ कंटेम्प्ररी थिंकिंग ऑन ट्रीटिंग क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन एस्पेशली रेप कंबाइंड विद मर्डर as so heinous that the perpetrators should not be considered for remission. So, guys, इधर remission मतलब punishment को reduce करना, ये जो remission दिया it is also in the contrary, मतलब it's opposite to the spirit of contemporary thinking. आज के टाइम का कंटेम्प्रेरी थिंकिंग की स्पिरिट से भी ये ऑपोजिट में है, ये रेमिशन देना नहीं चाहिए था, जिसमें क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन को स्पेशली रेप और मर्डर को हीनियस माना जाता है और ऐसे में अर्ली रिलीज देना ही नहीं चाहिए. फिर भी ये रेमिशन क्यों दिया गया, एडिटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. इट्स नॉट क्लियर इफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड रेमिशन हैड कंसिडर्ड द डिसक्वाइटिंग इफेक्ट the release of these prisoners might have on the survivors and other members of the affected community. इधर बोला जा रहा है कि it's not clear कि ये क्या कमिटी जो है जिन्होंने रेकमेंड किया रेमिशन देने का, क्या उन्होंने जरा भी सोचा है कि जिनका रेप या मर्डर हुआ उनकी फैमिली पे क्या बीतेगी.
A life sentence normally means that a convict has to spend the natural life in prison. Life imprisonment मतलब उन लोग जब तक natural death ना मरे तब तक life imprisonment मतलब तब तक वो लोग जेल में काटेंगे अपने जिंदगी. The CRPC does permit premature release. हालांकि वैसे 14 years का होता है, मतलब अगर वो मर नहीं गया within 14 years तो शायद उसको release करते हैं. CRPC permit करता है premature release, जिसमें इन द फॉर्म ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. तो CRPC अलाउ करता है कि आप रेमिशन या कम्यूटेशन उनका करके पनिशमेंट का उनको अर्ली रिलीज कर सकते हो, बट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के मुताबिक ही, एंड नॉट ऑन द रूलर्स विम्सी, मतलब नॉट ऑन द गवर्नमेंट्स विम्स एंड फैंसीज. द पावर ऑफ रेमिशन हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर ऑफ रेमिशन दिया गया है. अपार्ट फ्रॉम द सोवेरियन पावर ऑफ क्लेमेंसी एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स सो दैट इट कैन बी यूज टू टेम्पर द लॉज रिगर्स विद एन एलिमेंट ऑफ ग्रेस. ये बहुत अच्छे से समझना मैं क्या समझा रही हूँ ये केस के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है सेंटेंस को रेमिट करने का या कम्यूट करने का. That means president के पास and governor के पास ये power है, ठीक है. While the benefit of remission और तो basically check रखने के लिए supreme court के judgment के बाद भी ये लोग remission दे सकते हैं. While the benefit of remission ought not to be denied to anyone without a ray of hope that they will be free one day, it's a power to be exercised with the discretion and wisdom. सो डेफिनेटली रेमिशन का राइट सबको डिनाई नहीं करना चाहिए, उसका बेनिफिट डिनाई नहीं करना चाहिए, एक रे ऑफ होप के तौर पे उसे रखना चाहिए, बट ये गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के विजडम और डिस्क्रेशन पे होता है. और ये डेफिनेटली कोई गलत डिस्क्रेशन और विजडम अप्लाई करके नहीं देना चाहिए. दैट्स व्हाट एडिटर इज ट्राइंग टू से ओवर हियर. फॉर एनी डिसीजन ऑन रेमिशन शुड बी लिंक्ड टू द कन्विक्ट्स एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट एंड सम प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म. तो और रेमिशन और कम्यूटेशन भी जब करते हैं गवर्नर्स और प्रेसिडेंट, तो कन्विक्ट कितना रिग्रेट कर रहा है अपना एक्ट, ये कितना रिफॉर्म उसमें आया है, प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म वो लाएगा चेंजेस, और बेसिकली हीनियस क्राइम है यानी, ये सब बेसिस पे देना चाहिए, वरना हर केस में रेमिशन देना ज़रूरी नहीं है. इट वुड बी अनजस्टिफाइड इफ गिवन फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन मेयरली बिकॉज ऑफ इलैप्स ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव टू सर्व. तो ये एकदम अनजस्टिफाइड होगा क्योंकि बहुत सारे साल उसने जेल में निकाल दिए तो अभी छोड़ दो, ये ठीक बात तो नहीं. विद एन असेंबली इलेक्शन ड्यू इन गुजरात एट द एंड ऑफ द ईयर इट्स डिफिकल्ट नॉट टू रीड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इनटू दिस डिसीजन. तो ऑब्वियसली ये 2022 एंड में गुजरात में इलेक्शन आ रहा है, तो इससे तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा जैसा थोड़ा लग रहा है. ये सब एडिटर का ओपिनियन है, ओके, नॉट माइंड. The sight of the released convicts being greeted and feted on their release will not sit easy on the country's conscience. तो ऐसे heinous crime, rapist और murderers को छोड़ना, early release करना, तो ये public के conscience में एकदम अच्छे से बैठने वाली बात तो है नहीं, ये editor इधर बता रहे हैं. तो ये बिली बानो केस वाला मैंने पूरा आपको करवा दिया है, फ्रंट पेज पे OVC ने क्या बोला एंड द एडिटोरियल, हमने पूरा चीज़ अच्छे से समझ लिया, एंड दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज गुनगुन सिंह. इसके पहले वाला न्यूज़ मैंने फ्रंट पेज पे कराया, आई थिंक आप अभी लेट आए हो, सो ये फ्रंट पेज पे कराया मैंने. नेक्स्ट वन इज चाइल्ड गैंग रेप लॉ. ये जो है ना चाइल्ड गैंग रेप लॉ को रिव्यू करने के लिए, उसकी वैलिडिटी जो है उसे वापस एग्जामिन करने के लिए एक पिटिशन फाइल की गई है इन सुप्रीम कोर्ट, ओके. तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है कि यस वी विल एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ चाइल्ड. तो चाइल्ड गैंग रेप लॉ. So Supreme Court is now ready to examine validity of child gang rape law. It does not afford a chance to atone or reform. Petitioner says that. So Supreme Court
अभी एग्जामिन करने वाला है, बहुत जल्दी ही उन्होंने अग्री कर लिया है कि चाइल्ड गैंग रेप लॉ की वैलिडिटी को। पिटिशनर अभी बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लॉ नहीं है अभी कि कोई रिफॉर्म आ पाए या कुछ कुछ अच्छा लॉ नहीं लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ लाइक इट्स रेडी टू नाउ एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ चाइल्ड गैंग रेप लॉ वंस अगेन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सेवन किल्ड एज बस कैरिंग सिक्योरिटी पर्सनल्स फॉल्स इनटू गॉज इन जेएनके। दिस इज बैड, आई मीन इट गिव्स गूज बम्स, लिटरली हमें गूज बम्स देती है ऐसी न्यूज़ है। सिक्योरिटी पर्सनल्स हमारे जवान्स एक बस में जा रहे थे, सात लोग, और जे एन के में एक वैली में गिर गए और मर गए। अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन ब्रेक फेलियर लेड टू द एक्सीडेंट। ऑफिशियल बोल रहे हैं कि ब्रेक फेलियर के कारण एक्सीडेंट हुआ, टू बैड। एंड कश्मीर में स्पेशली वो कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद तो मुझे इतना अगेन गूज़बम्स आता है, इतना कश्मीरी पंडित्स की हालत देखते हुए। कश्मीरी पंडित शॉट डेड बाय मिलिटेंट्स, सम टेररिस्ट शॉट डेड कश्मीरी पंडित देयर एंड कुछ लोगों को इंजर किया गया। मिलिटेंट ओपन फायर ऑन द टू इन एप्पल ऑर्चर्ड। सो एप्पल ऑर्चर्ड में, एप्पल गार्डन में बेसिकली मिलिटेंट्स ने ओपन फायर किया दो लोगों को। ये उनकी जो मर गए उनकी वाइफ और उनकी माँ है। वी कांट इवन थिंक कि उन पर क्या बीतती होगी। मतलब आए दिन जब भी घर से उनके हस्बैंड, बेटे, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी निकल रहे हैं, वो ज़िंदा वापस आएंगे या नहीं ये चीज़ की गारंटी नहीं है। सो ऐसी चीज़ें देख के लगता है कि आर वी रियली लिविंग इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया। द कश्मीरी पीपल मस्ट बी फीलिंग दैट वे, आई एम वेरी श्योर। पहले से तो भी बेटर है आफ्टर इट बिकेम यूनियन टेरिटरी, बट हम जितना सेफ अदर पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं रह सकते हैं, ये लोग क्यों नहीं। आई रियली फील बैड फॉर देम, रियली गेट द लंप व्हेन टॉक अबाउट देम और थिंक अबाउट देम। सो दीज आर सम न्यूज़, बट लिखना नहीं है, जस्ट ध्यान में रखिए। दिस इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विच यू मस्ट राइट डाउन। गाइज मैंने बताया आज बड़े सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आशीष पिटिशनर मतलब द वन हु फाइल्स केस इन द कोर्ट, जो पिटिशन फाइल करता है कोर्ट में, पिटिशनर बोलते हैं उसे। विच केरला वाला न्यूज, लुलू मॉल वाला आप बोल रहा? गुंजन, सॉरी गुनगुन, आप लुलू मॉल वाला केस बोल रहे हो? चलो गुनगुन रिप्लाई करेगी, तब तक हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो प्रैक्टिस ऑफ तलाक हसन नॉट सो इम्प्रॉपर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना टेक देते हुए इसके ऊपर एक केस सुनते हुए बताया है। प्राइमरी लेवल पे सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि प्रैक्टिस ऑफ तलाक हसन इज नॉट सो इम्प्रॉपर। सो तलाक हसन क्या होता है वो मैं समझाती हूँ। तो ट्रिपल तलाक, एक साथ तलाक 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 बोल दिया तो डिवोर्स हो गया, ये अभी हटा दिया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया है। तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी गुस्से में तलाक तलाक बोल देगा तो ख़त्म हो गया उनका शादी, ऐसा नहीं हो सकता। शादी इतना इजीली नहीं ख़त्म हो सकता है। सो तलाक हसन ऐसा चीज़ है कि इफ़ एनी हस्बैंड सेज तलाक इन वन मंथ, देन नेक्स्ट मंथ सेकेंड टाइम एंड थर्ड मंथ द थर्ड टाइम, वैसे तीन महीने में हर महीने में एक एक बार अगर उसने तलाक तलाक बोला है तो फिर तलाक हो जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि तीन महीने तक कंटिन्यूस उसके माइंड में वो ही थॉट है तलाक का, तभी वो अगेन बोल रहा है। सो प्रैक्टिस ऑफ, उसे बोलते हैं तलाक हसन। सो प्रैक्टिस ऑफ तलाक हसन सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है इट्स नॉट दैट इम्प्रॉपर। इफ समवन वांट्स टू वॉक आउट ऑफ द मैरिज, तीन महीने से वो ऐसे सोच के बोल ही रहा है, तो इट्स नॉट दैट इम्प्रॉपर। जस्टिस संजय किशन कौल ने ऑब्जर्व किया दैट मुस्लिम वुमेन कैन ऑप्ट फॉर खुला, कि मुस्लिम वुमेन अपना डावर और माहर को, मतलब जो भी गिफ्ट ऑफ मैरिज मिला होता है हस्बैंड के पास से, या तो उसको गिव अप करके या बिना गिव अप किए भी अपना खुला का राइट एक्सरसाइज कर सकती है, मतलब वो चाहे तो डिवोर्स ले सकती है। तो उसी हिसाब से अगर मुस्लिम मैन को तलाक हसन का राइट दिया गया तो दैट वोंट बी दैट इम्प्रॉपर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वाइल हियरिंग द केस।
So I want you to write down the highlighted part and the headline of this particular news. It's quite important. Okay. So Gungun, I always take Mumbai ya to Delhi edition. Today I have taken Mumbai edition. आप सारे दूसरे स्टेट्स के ना फॉलो करिए एडिशंस. इसका रीज़न ये है, सभी लोगों के मैं बता रही हूँ, दूसरे एडिशंस फॉलो करने के लिए मना इसलिए कर रही हूँ. अर्लीअर मतलब जब भी मैं ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से न्यूज़पेपर एनालिसिस करा रही हूँ ये चैनल पे, अर्लीअर मैं खुद भी कभी मुंबई ले लिया, कभी दिल्ली, कभी साउथ की बैंगलोर का ले लिया, कभी चेन्नई का ले लिया. आई यूज़ टू डू दैट, बट आई माई सेल्फ फाउंड आउट that only Mumbai and Delhi edition are such which covers pure India ka news uniformly, and what exams you guys are giving is national level exam. We need to know uniform news of all the states, all the pure nation ke hume proper uniform news milne chahiye. आप साउथ के न्यूज़पेपर्स उठा के देख लो, कभी नॉर्थ के न्यूज़पेपर्स उठा के देख लो, दिल्ली और मुंबई को छोड़ के. ओके, तो साउथ वाले न्यूज़पेपर्स में आप भर भर के 7-8 पेज सिर्फ साउथ के ही न्यूज़ के देखोगे. सो दैट इज साउथ ओरिएंटेड मोर ऑफ, विच विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर एग्जाम्स, यू नो. तो एग्ज़ाम में हमें नेशनल लेवल के सारे न्यूज़ कवर होने चाहिए. आप जैसे दूसरे कोई नॉर्थ के न्यूज़पेपर देख लो, लाइक और एडिशंस आते हैं नॉर्थ वाले भी, तो चंडीगढ़ ये वो, तो उसमें भी ऐसा ही होता है ज़्यादा नॉर्थ के. दिल्ली मुंबई ये दो एडिशन ऐसे हैं कि प्रॉपरली मेट्रो सिटीज़ में है और पूरे इंडिया के प्रॉपरली न्यूज़ यूनिफॉर्मली डिवाइड करके आते हैं. तो दैट इज़ वाई आप लोग अपना एडिशन ना फॉलो करिए. मैं ये अर्ज करना चाहूँगी. मैं रोज़ इधर आपको एक एक एडिशन ला के न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करवाती हूँ. आई ऑल्सो शेयर दिस मार्किंग वाला न्यूज़पेपर का PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल. मैं रोज़ इसको टेलीग्राम चैनल पे भी आपके लिए न्यूज़पेपर शेयर करती हूँ. तो व्हाई डू यू नीड टू रेफर एनीथिंग एल्स, राइट. मेरे टेलीग्राम चैनल अच्छा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो दिखा देती हूँ, वो कर लीजिए ज्वाइन. आपको ये मेरा न्यूज़पेपर, मैं ई पेपर PDF रोज़ आपको भेज देती हूँ, वो भी मेरी मार्किंग वाला, जिसमें फिर आप शांति से तभी नोट्स बना सकते हो जो स्टार मार्क किया है. अभी साथ साथ में ना बनाइए नोट्स भी, क्योंकि अभी जब एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूज़, उसे ध्यान से सुन के समझना ज़रूरी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज चाइना गेट्स सैंक्शंस ऑन ताइवान फिगर्स. तो चाइना ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए ताइवान वालों पे. रिस्ट्रिक्शंस केम अ डे आफ्टर बीजिंग अनाउंस्ड मोर ड्रिल्स इन द सेट्स एंड सीज एंड स्काईज अराउंड द आइलैंड. तो अभी भी चाइना का गुस्सा शांत नहीं हुआ है ताइवान के आसपास. कल ही उन्होंने कुछ मिलिट्री ड्रिल्स इन द स्काईज एंड इन द अराउंड द सी ऑफ ताइवान अनाउंस की, और फिर मतलब परसों अनाउंस की, जो हमने कल के न्यूज़पेपर में देखी थी. और कल फिर उन्होंने कुछ उनके ताइवान के कुछ ऑफिसर्स वगैरह पे सैंक्शंस भी लगा दिए. तो चाइना मतलब पागल ही हो गया है. दिस इज़ अ आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क, सिर्फ हेडलाइन लिख लीजिएगा. देन अनदर वन इज आइकिया. आई एम श्योर आपको सबको पता होगा वॉट इज आइकिया. इतना इंटरनेट यूज़ करते हो तो आइकिया तो पता होगा शायद. तो इट्स लाइक पूरा होम डेकोर सोल्यूशंस एंड लॉट ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्ट्स आइकिया हैज़. स्पेशली US वगैरह में तो बहुत ही आइकिया फॉलो किया जाता है. स्पेशली वहाँ रेंट पे लोग रहते हैं जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं, तो वो आइकिया फर्नीचर के लिए बहुत यूज़ करते हैं. तो इंडिया में भी काफ़ी आइकिया बढ़ रहा है. आई लिव इन मुंबई, अ मेट्रो सिटी वेर आइकिया का भी काफ़ी स्टार्ट हो गया है ज़्यादा. ऑफकोर्स US वगैरह कंट्री में जितना है उतना नहीं, बट है. तो नाउ आइकिया इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले और $900 मिलियन. ये एक बड़ा न्यूज़ है हमारे लिए. ठीक है, तो एक स्टार मार्क कर रही हूँ. एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ में ये वाला एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क बिसाइड दिस. प्रगनंदा stuns Firoza, cashes in the opponent's decisive errors in the first and third games. The first or third games में जो उनके opponent थे Firoza, उनकी जो कुछ decision में errors रह गई उसका फ़ायदा उठाते हुए प्रगनंदा जीत चुके हैं. तो FTX Crypto Cup वो जीत चुके हैं. ठीक है,
वर्ल्ड नंबर 4 अली रेजा फिरोजा को हराते हुए. ओके, सो आई वुड लाइक यू टू राइट दिस डाउन, ये भी नोट्स में लिख लीजिएगा, अनदर विन बाय प्रगनंदा. सो ये एक चीज़ है. एंड या टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आज. सो दैट्स ऑल. मुझे आपको मतलब मेरे न्यूज़पेपर पढ़ाने के बाद वापस अभी आज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं. समटाइम्स ओनली समटाइम्स मैं कुछ आर्टिकल्स आपको बोलती हूँ कि आपको रीड करने चाहिए, वो भी कभी हफ्ते में एक आध बार हार्डली, तो बस उतना रीड करना है. बाकी तो यू नीड नॉट रीड न्यूज़पेपर आफ्टर आई टीच यू गाइज. बस ये एनालिसिस आपका हो गया तो हो गया, ख़त्म. आपको और कुछ नहीं करना है, बस ढंग से 45 मिनट्स पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सुने. हाँ, आज जितने मतलब बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे तो कभी सेशन लंबा भी हो जाता है. फिर इंडिपेंडेंस डे पे जैसे 15 अगस्त को तो कुछ न्यूज़ ही नहीं थे, लिटरली 3-4 न्यूज़ हार्डली इंपॉर्टेंट थे, तो उस दिन आधे घंटे में ख़त्म हो गया. बट एवरेज टाइम इज़ 45 मिनट्स, ऑलमोस्ट रोज तो 45 मिनट्स में होता है. ओके, ऑलराइट गाइस, सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन. थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस. आज लीगल रीजनिंग, सब लोग को बता दो, आज लीगल रीजनिंग में की क्लास है रात को, प्लस या एंड आइकॉनिक क्लासेस 8 बजे, 8 से 9:30, उसमें आई एम बिगिनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टुडे. ओके, जिसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट करना है, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कॉन्स्टी इन 8 o'clock क्लास टुडे. ठीक है, बाय गाइज, मोस्ट वेलकम गाइज. सबको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक बटन तो हिट करो. किधर जा रहे हो? बाय.